देखिए, सपने लेने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स किसी प्रकार की संसार की सरकार ने सपने लेने पर लगाया नहीं है। लेकिन लोग कांग्रेस का पुराना 10 साल का काला राज भूले नहीं है। जिधर से भूपिंदर सिंह हुड्डा की कार निकल जाती थी, किसान घरों को छोड़कर भाग जाते थे। जिस जमीन पर इसकी नजर पड़ गई, इसने वो जमीन अधिग्रहण की और वो फिर बिल्डर माफिया को बेची। लोग भूले नहीं है, लोग भूले नहीं है किस प्रकार से यहां पे बोलियां लगा लगा के इन्होंने नौकरियां दी। लोग भूले नहीं है किस प्रकार से तबादलों की मंडियां सस्ती थी, दलाल घूमते थे जगह जगह पर। मैं तो 6 बार का MLA हूं, सबका राज देखा है, सबका जानता हूं, देखा मैंने किस प्रकार से सेक्रेटरियट दलालों से भरा रहता था। हमने सब कुछ पारदर्शी करा, तबादले पारदर्शी कराए, नौकरियां पारदर्शी लगाई, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिली जिनके मां बाप कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा बच्चा भी सरकारी नौकर लग जाएगा। जनता भूली नहीं है हुड्डा साहब, जनता को अच्छी तरह से याद है और आपको याद दिला भी देंगे। संसद के अंदर राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, पहले इस तरह की राजनीति होती नहीं होती थी, लेकिन जब से नंबर बढ़ा है इनका एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है, कैसे देखेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी जी फेल तो इस बार भी हुए हैं, लेकिन थोड़े नंबर ज्यादा आ गए, उसी को लेकर उछल रहे हैं। है तो फेल ही, अब पास होना है तो 33 नंबर चाहिए। अब अगर 20 आ जाए, 18 आ जाए, 17 आ जाए, 25 आ जाए, है तो फेल ही, पर उसको लगता है कि शायद मैं पास हो गया, शायद पप्पू पास हो गया, उसको ऐसा महसूस होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।